हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं रूही फिश फ्राई रेसिपी दिखाएंगे। जो मैं 3 रूही फिश लिया हूँ, मैं इसको फ्राई करेंगे। आप लोग ज़रूर खाते होंगे, फ्राई करके मांस फिश रेसिपी बनाते होंगे। तो आज मैं रूही फिश फ्राई रेसिपी बनाएंगे। तो मैं फिश को क्लीन करके रख दिया हूँ। मैं अभी मैं नमक हल्दी दे के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। पहले फ्राई करने से पहले पहले मैं नमक हल्दी दे रहा हूँ। मैं टर्मरिक पाउडर पाउडर दे के इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स हो गया, उसके बाद मैं सॉल्ट दिया हूँ। मैं बस मिक्स कर दिया। मैं नमक और हल्दी दे के अच्छे से मिक्स हो गया, रेडी हो गया। अभी मैं फ्राई करेंगे। मैं गैस ऑन करके कढ़ाई बिताया हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं मस्टर्ड ऑयल देंगे। मस्टर्ड ऑयल दे रहा हूँ मैं, जितना चाहिए मैं उतना मस्टर्ड ऑयल दे रहा हूँ। मैं इतने सा लिया हूँ। मैं अभी मैं ऑयल गर्म होने के बाद मैं फिश को फ्राई करेंगे। धीरे धीरे करके देंगे। धीरे धीरे करके मैं दे रहा हूँ। मैं बस इसको भी दे रहा हूँ। मैं इसको मैं ऐसे उलट पलट कर दे रहा हूँ। मैं दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाए। बस धीरे धीरे करके फ्राई हो जाएगा। ज़्यादा टाइम लगता नहीं फ्राई करने से, जल्दी हो जाते हैं। धीरे धीरे करके हो रहा है। अभी मैं इसको बस इसी तरह उलट पलट मैं कर दे रहा हूँ। दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाए। धीरे धीरे करके फ्राई लगभग हो गया। ये देख रहे हो, फ्राई हो गया लगभग। बीच बीच में देखना पड़ता है, नहीं तो बर्न हो जाएगा। बर्न होने से अच्छा नहीं लगेगा। दोनों साइड में इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ। इस साइड नीचे वाला और ऊपर वाला पर्सन के मैं उलट पलट करके मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ अच्छे से। लगभग हो गया, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जितना जरूरी है उतना मैं फ्राई करेंगे। बस हो गया फ्राई। अभी मैं प्लेट के ऊपर रख दे रहा हूँ। अच्छे से फ्राई हो गया रूही फिश फ्राई। ये दे गया रूही फिश फ्राई। अभी मैं प्लेट के ऊपर सजाएंगे अच्छे से।
মাছ মেশ সদস্য প্লেট নিই আমি স্ক্রবার মে ফিশ কো ফিশ ফ্রাই কো রাখ দে রাম ধীরে ধীরে করকে ये देख रहे अच्छे से फ्राई हो गए। मैं 3 फिश लिया था रोही फिश। बाजेश को अच्छे से मैं सजाएंगे ऑनियन देखे ऑनियन और चिली देखे क्यूकम्बर भी दे सकते हो। मैं क्यूकम्बर दिए नहीं मेरे पास क्यूकम्बर नहीं था और चिली लिया मैं। ऐसे खा सकते हो जब फ्राई रेसिपी चिली और ऑनियन। चिली इतना जरूरी नहीं फिर भी मैं दिया हूँ सजाया हूँ मैं। बस रेडी हो गया मेरा रूही फिश फ्राई रेसिपी। ओके दोस्तों इसी तरह मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहेगा। आप लोग खुश रहे अच्छे रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों बाय।